ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है, जिसमें मैं वापस से लेने वाला हूँ आप लोगों के लिए बिट्स एट 2020 के क्वेश्चंस। पिछले चार एपिसोड में आप लोगों ने टोटल 16 क्वेश्चंस देख लिए थे। ये हमारा आखिरी एपिसोड है बिट्स एट 2020 वाले पेपर का। तो यहाँ पर इस एपिसोड में भी मैं आप लोगों के लिए चार क्वेश्चन लिया हूँ, तो टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे बिट्स एट 2020 के पेपर में से, जिसमें हम लोग ट्रिक्स लगाएंगे मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में से। टोटल 45 क्वेश्चंस थे, उसमें से 20 क्वेश्चन में ट्रिक जो है मैं आप लोगों को लगा के टोटल सिखाऊंगा इस एपिसोड के बाद। एंड आप लोगों को एक फैक्ट बताता हूं मैं आप लोगों को कि ये जो 20 के 20 क्वेश्चन में जो मैंने ट्रिक्स आप लोगों को सिखाए हैं, 16 सिखा चुका हूं, 4 इस एपिसोड में सिखाऊंगा। ये जो 20 क्वेश्चन थे पूरे के पूरे मैंने आराम से, सुबह 6 बजे मेरी आंख खुल गई थी गलती से, और मैं लेटे लेटे जैसे ही बिटसाइट का पेपर देख रहा था, और लेटे लेटे बैठे बैठे ओरली, मेरे पास कोई पेन नहीं था, कुछ नहीं था, एंड ओरली मैंने इन 20 के 20 क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा लिए थे, और हाथों हाथ अपने आंसर को भी मैं कंफर्म करते गया था कि हाँ सारे के सारे क्वेश्चन में मैं जो जो ट्रिक लगा रहा हूं और जो मेरा आंसर आ रहा है माइंड में ओरली, ओरल कैलकुलेशन सब कुछ ओरली मैंने किया था 20 क्वेश्चन को। टाइम लगा था कुछ 30-40 मिनट के आसपास का टाइम लगा था, क्योंकि सुबह का टाइम था, रिलैक्स वे में धीरे धीरे कर रहा था, है ना। तो लगभग 20 क्वेश्चन मैंने करे थे 40 मिनट में, सब में मैंने ट्रिक्स लगाया था, और बैक टू बैक आप लोग ये एपिसोड देख ही रहे हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने वापस से आपके सामने चार क्वेश्चन ले लिया बिट्स एट 2020 के। पिछले चार एपिसोड में आपने चार क्वेश्चन देख लिए बिट्स एट 2020 के, चार चार करके 16 क्वेश्चन आप ऑलरेडी देख चुके हो। इसमें भी आप चार क्वेश्चन देखोगे तो टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके बिट्स एट 2020 के मैथ्स वाले सेक्शन से, राइट। तो 45 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ट्रिक्स टोटल एक ही पेपर के एक ही सेक्शन से दिखा दिया हूं, तो आप लोग सोच सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की कितनी वैल्यू है बिट्स एट जैसे एग्जाम में, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम माना जाता है और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज के लिए भी एग्जाम है। तो 45 में से 20 क्वेश्चन 2020 के पेपर में, अभी 2021 में ये वीडियो बन रही है, पिछले साल के पेपर में 20 क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ट्रिक्स लगा के दिखाया हूं 45 में से 20 के अंदर में, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि कितना आसान होता है ट्रिक्स लगाना और कितनी ज्यादा इसकी वैल्यू है, राइट। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में चार क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन डोमेन से रिलेटेड है, दूसरा हमारे पास में डायमीटर से रिलेटेड है, तीसरा हमारे पास में सर्कल वगैरह दिया हुआ है, और चौथा हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, राइट। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब आप क्या करो, वैल्यूज पुट कर लो। अगर आप 1 पुट करते हो, लेट से अगर आप 1 पुट करोगे तो 1-1 आ जाएगा 0, है ना, ये पूरा 0 हो जाएगा। और अगर आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हमको देखना है दिक्कत आ रही है कि नहीं, राइट। तो 1 पुट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1-4 हो जाएगा -3, तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो दिक्कत आनी शुरू हो गई। इसका मतलब 2 हम नहीं डाल सकते, समझ गए, 2 को हम नहीं डाल सकते। तो अब देखो कौन कौन से ऑप्शन में 2 है, ठीक है। हमको दिख रहा है ये जो सी ऑप्शन है ना, इसमें 2 दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये 1/√2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसके अंदर 2 भी आएगा, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। समझ में आ गई बात आपको, है ना। अच्छा, -2 डाल के देख लो, -2 में भी सेम ही मैटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 0 डाल के देख लेते, 0 डाल के, ठीक है, 0 डाल के देखते। तो 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, √1-0 √1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे तो 1। अच्छा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा तो 0-1 आ जाएगा, -1 तो रूट के अंदर में, बाहर वाले रूट के अंदर में नेगेटिव आ गया, तो 0 भी हम लोग नहीं डाल सकते, तो 0 को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अब देखो कौन कौन से ऑप्शन में 0 है। ये जो ऑप्शन बी है ना, इसमें 0 है, क्यों, क्योंकि -1 से 1 तक है, तो बीच में 0 भी आएगा। क्या आपको बात समझ में आई, राइट। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू डाल के देखते हैं, -1 डाल के देखते हैं। -1 डालोगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1-1 0 हो जाएगा, तो ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर जो x है इसमें -1 आएगा, और अंडर रूट, बाहर वाले अंडर रूट के अंदर -1 आएगा, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, तो हम -1 को भी नहीं डाल सकते हैं। अब -1 कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में -1, राइट, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। तो बचा क्या, ये बचा हमारे पास में 1/√2 से लेकर के 1, तो हम इसको क्या करेंगे, सही ऑप्शन मार्क करके अगले क्वेश्चन में चले जाएंगे। हमने सॉल्व नहीं किया इसको, जुगाड़ लगाया, वैल्यूज को पुट कर करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द कोऑर्डिनेट्स एट वन एंड ऑफ द डायमीटर आर द सर्कल ऑफ द सर्कल इतना और इतना इतना, हमको अदर एंड चाहिए डायमीटर का। बहुत सिंपल है, देखो एक तो तरीका, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अगर आप लगाओगे तो उसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कई बार एग्जाम में 10-10 सेकंड का भी आपको जो इंपॉर्टेंस है वो समझना चाहिए। अगर आप 10 सेकंड भी अपना सेव कर पाते हो तो वो आपको कई हेल्प करता है किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से इसका डायग्राम बनाएंगे,
इसका सेंटर कितना है 4.2 है ना, इसको डिवाइड करो 8 को 2 से 4 आ जाएगा, माइनस 10 को एब्जॉर्ब करो, यहाँ पर भी डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा माइनस 5 को एब्जॉर्ब करके, तो 4.2 1 2 3 4 1 2, तो 4.2 पे इसका सेंटर है ना। एक डायमीटर है माइनस 3.2 पे, माइनस 3.2 1 2 3 माइनस 3.2 ठीक है। तो एक डायमीटर यहाँ है डायमीटर का एंड, तो दूसरा यहाँ होना चाहिए राइट। अब कितना दूर होगा, ये कितना है 4 और ये कितना है 3 7, तो ये 4 से आगे 7 होगा है ना, तो 4 से आगे 7 होगा तो ये 11 हो जाएगा, 11.2 हमारे पास में आंसर हो जाएगा। हमने इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही उड़ा दिया, ये हमारे पास में इस तरीके का सर्कल बन जाएगा, समझ गए। तो हमने इसको सॉल्व नहीं किया, फटाफट से उड़ा दिया। कैसे उड़ाया, 4.2 पे सेंटर है, माइनस 3.2 पे एक डायमीटर है, तो 7 डिस्टेंस यहाँ पर है, तो 4 से आगे 7 डिस्टेंस पर 2 पे ही हमारे पास में दूसरा एंड हो जाएगा, ये हमारे पास में डायमीटर इस तरीके से बन जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से डायग्राम अप्रोच लगा के कई बार आपका टाइम सेव हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिटसेट जैसे एग्जाम में, ताकि आप कंप्लीट करके अपने बिटसेट के एग्जाम में आप बोनस क्वेश्चन लेकर के भी अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो, तो इसलिए फटाफट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमको बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर इक्वेशन ऑफ द लार्जर सर्कल इज इतना, ये हमारा लार्जर सर्कल है बड़ा वाला ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 ठीक है। इक्वेशन ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज, स्मॉलर सर्कल का हमको इक्वेशन चाहिए ठीक है। अच्छा, 0.-2 पे सेंटर है, साफ समझ में आ रहा है, इक्वेशन से भी समझ में आ रहा है और डायग्राम से भी समझ में आ रहा है ठीक है। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारा ऑप्शन है उसका सेंटर देखते हैं। तो उसका सेंटर है हमारे पास में यहाँ पर √7.1, यहाँ पर हमारे पास में है −√7.1 ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में है √7.1 ठीक है। ये इस तरीके से है हमारे पास में, क्योंकि ये हमारे पास में इसको इस तरफ लेके जाएंगे ना, तो −2√7 आ जाएगा, −10 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, और ये भी यहाँ आ जाएगा तो −2 ही आएगा, −2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो 1 बचेगा। −g, −f हमारे पास में सेंटर होता है। अगर आपको सेंटर वगैरह निकालना नहीं आता है तो यार थोड़ा सा पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, सेंटर वगैरह कैसे निकालते, रेडियस कैसे निकालते सर्कल का, इतना आपको पता होना चाहिए राइट। तो ये हमारे पास में सारे सेंटर्स आ गए। अब एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझना, ये जो डायग्राम हमारे पास में दिया हुआ है, ये जो दूसरा सर्कल है छोटा वाला, इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई। अब इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ये दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो दोनों पॉजिटिव हो गए, तो हमारा जो ये नेगेटिव वाला आंसर है ये तो हो ही नहीं सकता ना, इसको एलिमिनेट करो, क्योंकि इसमें −√7 है, क्योंकि देखो ये एक्स +√7 आया ना, तो सेंटर −√7 होगा राइट। इस तरीके से होता है, x − x1 का होल स्क्वायर प्लस y − y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r2, इस तरीके से होता है, x1 और y1 सेंटर होते हैं, तो ये तो हमारे पास −√7 हुआ राइट सेंटर, तो ये वाला एलिमिनेट हम कर देंगे ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी, अगर हम बात करें तो हमको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, कि हमको जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4, तो सेंटरों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 4 होना चाहिए, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो पहले वाले सर्कल का सेंटर कितना है 0.-2, दूसरे वाले का कितना है √7.1, तो सेंटर का डिस्टेंस देख लेते हैं √√7 का स्क्वायर 7, और ये 1 − −2 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √16, √16 की वैल्यू आती है 4, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 4 है राइट। तो अगर सेंटर हमारे पास में √7.4 है तो ये हमारे पास में बिल्कुल सही बैठ रहा है ठीक है। अच्छा, और क्या देख सकते हैं हम लोग, और क्या देख सकते हैं हम लोग, और क्या देख सकते हैं, ये वाला जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है देखते हैं। ये जो सी वाला है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, तो x² + y² − 2√7x − 2y = 0, इसका रेडियस थोड़ा सा देखने का ट्राई करते हैं, रेडियस कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, क्या आ रहा है, तो √g² मतलब कि 7 प्लस f², ये तो √8 आ रहा है यार, ये तो √8 आ रहा है इसका रेडियस, इसका रेडियस आ रहा है √8, इसका रेडियस आ रहा है √8 है ना, √g² मतलब √7 का स्क्वायर 7 प्लस f² मतलब कि 1 का हो गया हमारे पास में, 1 का हो गया हमारे पास में कितना हो गया
हाँ स्क्वायर रूट, और जिसको प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सी तो है ही नहीं इसमें, है ना, रूट एट आ रहा है इसका रेडियस जो है ना, ये रूट एट के बराबर आ रहा है। अच्छा चलो पहले वाले का रेडियस देखते हैं, पहले बड़ा वाला सर्कल का रेडियस क्या है, तो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर तो है ही नहीं, एफ स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना, माइनस सी हो जाएगा प्लस 5, तो ये हो जाएगा रूट 9, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो हमारा जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस है 3, ठीक है, ध्यान से समझना, बड़ा सर्कल का रेडियस है 3 और छोटा सर्कल का रेडियस अगर 1 होगा तभी तो वो दोनों टच करेंगे ना आपस में, आपस में टच तो तभी करेंगे ना जब बड़ा 3 है तो छोटा 1 होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 4 है सेंटर के बीच का, है ना, जब सेंटर के बीच का ही डिस्टेंस 4 है तो एक का रेडियस 3 है तो दूसरे का 1 होना चाहिए, तभी तो 3 प्लस 1 4 बनेगा। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट है, दूसरे ऑप्शन में सेंटर के बीच का डिस्टेंस तो 4 है राइट, लेकिन जो रेडियस है ना वो इस तरीके की है कि दोनों आपस में टच नहीं करेंगे, जैसे इसमें दिखाया ना टच करते हुए दोनों आपस में टच कर रहे हैं, वो टच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि टच करने के लिए 3 और 1 का रेडियस होना चाहिए, समझ रहे हो, इस तरीके से टच करने के लिए, एक्सटर्नली टच करने के लिए, समझ गए। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि हमारा रेडियस जो ऑप्शन सी में 1 नहीं आ रहा है, रूट 8 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, तो हमको बोल रहा है इक्वेशन दिया हुआ है साइन पावर 4x माइनस के प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के प्लस 3 इक्वल टू 0 पॉसेसेस अ सॉल्यूशन इफ, ठीक है, सॉल्यूशन कब आएगा, वैल्यूज पुट करके देखो, k की वैल्यू माइनस 2 पुट करो, अगर हम k की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में आएगा, या ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं 90 डिग्री ले लेते हैं, x को 90 डिग्री ले लेते हैं, तो साइन 91 हो जाएगा, तो 1 का पावर 4 1 आएगा, है ना, और माइनस हो जाएगा k प्लस 2 और फिर से ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस के प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के माइनस 2 माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, तो ये 2k इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा, k की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, तो इसका मतलब माइनस 2 सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस 2 सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा और क्या कर सकते हैं, 0 डिग्री ले लो, x को 0 डिग्री ले लो, तो साइन 0 0 आ जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस k प्लस 2 इंटू 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, है ना, फिर ये आएगा माइनस k प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, क्योंकि ये 0 है ऐसा हट जाएगा, है ना, माइनस k प्लस 3 इक्वल टू 0 माइनस भी हट जाएगा, k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी, इसका मतलब माइनस 2 भी सेटिस्फाई किया, माइनस 3 भी सेटिस्फाई किया, तो हम क्या करेंगे, आंसर डालेंगे सी को, क्यों, क्योंकि ए में हमको बोल रहा है माइनस 3 से बड़ा, बी में हमको बोल रहा है माइनस 2 से छोटा, है ना, तो हमको तो माइनस 2 भी आ गया माइनस 3 भी आ गया, समझ रहे हो, आप और वैल्यूज को पुट करके देखो, अगर आपको डाउट होता है ना तो 45 डिग्री पुट कर लो, है ना, कुछ और वैल्यू पुट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे फील ज़्यादा यही आ रहा है कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि देखो कहने को तो आप बोलोगे कि सर माइनस 2 माइनस 3 से बड़ा तो है ही सही, बिल्कुल है, और माइनस 3 माइनस 2 से छोटा भी है, बिल्कुल है, तो आप बोलोगे सर ए और बी तो सही है, लेकिन आप यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं दिया है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो मैं सोचता, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर दिया है, यहाँ पे सिर्फ लेस दिया है, लेकिन हमको तो माइनस 3 और माइनस 2 को इंक्लूड करना है, इस वजह से मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर रहा हूँ, इस वजह से इन दोनों को एलिमिनेट कर रहा हूँ, यहाँ पर हमको इंक्लूड किया है, देखो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो माइनस 3 भी आ रहा है माइनस 2 भी आ रहा है, उसके बीच की वैल्यूज भी आ रही है, और k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ऐसे बाप का माल तो है नहीं कि कोई भी डालोगे और हो जाएगा, क्योंकि ये तो यार ट्रिग्नोमेट्री है, इसके तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होते हैं ना साइन के माइनस 1 से 1, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ भी डाल दोगे और सारा सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, इतना तो आपको कॉमन सेंस से फील आ ही रहा होगा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता राइट, क्योंकि यहाँ पे साइन के भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, बट माइनस 2 और माइनस 3 तो हमारा एकदम पहले तरीके से आ गया, हमने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया, इस क्वेश्चन में हमने बहुत ही तगड़ा दिमाग लगाया, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर करी थी, और यहाँ पर जो पहला दोनों क्वेश्चन था इसमें हमने डोमेन निकाला बहुत तगड़े तरीके से ऑप्शन में से ही वैल्यूज को पुट कर करके, और यहाँ पर हमने बहुत जल्दी डायग्राम बना के 10 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दिया था, ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होगी, इसको कैसे अप्लाई करते हैं एग्जामिनेशन में, आई होप अब आप धीरे धीरे सीख रहे हो कि आप लोग इसको अप्लाई करना जान रहे होगे, है ना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये ट्रिक्स पसंद आई है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।